सेशन अदालत लाहौर जाली और बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन का मामला है। अदालत ने मुलजिमान बिलाल रशीद और आसिम के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान को एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज भट्टी के रूबरू पेश किया गया। इंजेक्शन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस का ऐसा बताना है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर के रूबरू जाली इंजेक्शन बनाने वाले मुलजमान को अदालत में पुलिस की जानिब से पेश किया गया और इस मौके पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये इस्तदआ की गई कि मुलजमान जाली इंजेक्शन बनवाने के इकदाम में मुलविस है। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई करते हैं और इस हवाले से तमाम सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं और इसी बुनियाद पर मुलजमान से मजीद तफ्तीश करना दरकार है और दोनों मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर कैसर नजीर बट ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम बिलाल रशीद और आसिम के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों मुलजमों को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अशफाक।